सरकार के द्वारा पूरे प्रदेश में 72 घंटे के लॉकडाउन की घोषणा की है। यह लॉकडाउन शुक्रवार की रात से प्रारंभ हो चुका है और यह सोमवार की सुबह तक जारी रहेगा। इसी के चलते रविवार को मथुरा के जिलाधिकारी सर्वग्राम मिश्र और कप्तान गौरव ग्रोवर ने जिले में लॉकडाउन का जायजा लिया और जगह जगह पर यह भी निरीक्षण किया कि पूरे शहर को साफ सफाई और सैनिटाइजर किया जा रहा है या नहीं। होलीगेट चौराहे पर जिलाधिकारी सर्वग्राम मिश्र और कप्तान गौरव ग्रोवर पहुंचे। वहां उन्होंने पुलिस की गतिविधियों को बारीकी से देखा और यह भी देखा कि लॉकडाउन का पालन ठीक प्रकार से किया जा रहा है या नहीं। के दो चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक तो सेकंड शनिवार और इतवार होने के कारण सारे ऑफिसेज इत्यादि सब बंद हैं। इस अवधि में हम लोगों ने मार्केट भी, जैसा कि शासन का आदेश था, वो भी बंद है। साथ ही साथ जो बृहद एक अभियान चल रहा है ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, संचारी रोगों को नियंत्रण का और पूरी तरह से साफ सफाई का, छिड़काव का, सैनिटाइजेशन का, और इसमें जो भी कूड़ा कहीं पे पड़ा है उसको उठा करके डंपिंग ग्राउंड तक स्थानीय निकाय के लोग ले जा रहे हैं, चाहे हमारे टाउन एरिया हों, चाहे नगर पंचायतें हों, चाहे नगर निगम हो। साथ ही साथ इसी तरह का अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में भी चल रहा है। तो इस दृष्टिकोण से ये अभियान बहुत महत्वपूर्ण है।